अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी? और दुआ करती हूँ आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमने इज़्ज़त वाली, बरकत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता की है। अल्लाह का कितना भी शुक्र करो उतना कम है, और अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए दोस्तों। और जो है यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग, जो कि मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ अदरक लहसुन, बिकॉज मैं आज मैं अदरक लहसुन मेरा जो ख़त्म हो गया था तो उसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे साफ़ कर रही थी लहसुन। लहसुन को मैंने थोड़ी सी जो जारी का आटा, जवारी का आटा रहता है, जारी आप जानते होंगे, उसका आटा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के धूप में रख दिया था, और ये आसानी से निकल रहे हैं हाथ से। तो अदरक को मैंने तकरीबन सारा कुछ उसका काम कर लिया है, उसके पील ऑफ करके उसको कट कर लिया है, स्लाइसर में मैंने उसको स्लाइस कर लिया था। और यहाँ पर हो रहा है अदरक लहसुन हमारा साफ, और बहुत ही इजी हो जाता है कुकिंग के लिए जब अदरक लहसुन हमारे पास रेडी होता है। जब आप कभी बिरयानी वगैरह बनाएं तो आपके पास अदरक लहसुन ऑलरेडी हो तो आपको बहुत ही इजी हो जाता है। तो हमेशा मैं होम मेड ही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर से कभी नहीं अदरक लहसुन नहीं ख़रीदती। मैं ख़रीदती हूँ मतलब मैं पैकेट वाला नहीं ख़रीदती। और जो है मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था वो रेमेडी का था, तो आप सबको कैसा लगा वीडियो? बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसे ही वीडियो बनाओ, तो मैं बीच बीच में वैसे वीडियो डालती रहूँगी, जितनी मुझको मालूमात है मैं उतनी मालूमात आपको पहुँचाती रहूँगी। और थोड़े रिव्यू के भी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे, जो मुझे अच्छा लगता है चीज़, और जो मैंने खुद को उसको यूज़ किया है वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी अपने व्लॉग के साथ। व्लॉग करते हुए मैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो मैं चीज़ घर में अपने लिए यूज़ करती हूँ, वो चीज़ों में से जो मेरे को अच्छा लगता है उस चीज़ का रिव्यू मैं आपको बिल्कुल दूंगी। तो यहाँ पर हो रही है शाम, और मैं जो है यहाँ पर बच्चों के लिए कॉर्न होते हैं जो भुट्टे, उनको उबाल रही हूँ, बिकॉज बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है पानी, पानी में मैं डालूँगी नमक, और इसमें डाल दूँगी कॉर्न्स जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो वाले ये भुट्टे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे सारे भुट्टे, तो बड़ा वाला मैंने यहाँ पर कुकर लिया है, बिकॉज भुट्टे जो है बड़े बड़े थे, तो मैंने बड़ी वाली जो मेरी कुकर थी उसको ले लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया सारे भुट्टे, और ऑयल पानी में डाल रही हूँ ताकि हमारे भुट्टे उसमें तैरने लगे, डूब जाएं, तब ये बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारा नमक ऐड कर दिया है, नमक इसमें बहुत ज़्यादा ही डालना चाहिए तभी ये अच्छे नमकीन से बन जाते हैं, वरना फीके फीके हो जाते हैं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देते। तो अभी मैं इसका लगा दूंगी ढक्कन, और हम इसके लेंगे 2 से 3 प्रेशर कुकर। 2 से 3 प्रेशर कुकर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ओपन करने का डायरेक्ट क्लिप ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीटी इसकी चली गई है और मैं ओपन कर रही हूँ उसको। ये हमारे भुट्टे माशाल्लाह से बन गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको निकाल दूंगी गर्म पानी से, बिकॉज़ बच्चे जो है मांग रहे हैं, तो बच्चों को दूँगी मैं खाने के लिए। तो ये हो गए हमारे भुट्टे रेडी। आप इसको मिर्च नमक लगा के भी खा सकते हैं, वरना नमक इसमें ऑलरेडी रहता है, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े के रहते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अभी अलविदा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। मैं आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ तो मैं आज कल अपने ब्लॉग्स नहीं ऐड कर रही हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर से जल्दी जल्दी ऐड करूँगी। और ये रहा यहाँ का शाम का व्यू जो मेरे घर के पास था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी है आपको आपके साथ शेयर करने के लिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।